मैं भागवत जी के कथन की सराहना करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस के लोग जो अनुयायी उनके मानने वाले और भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि जो लोग ऐसे लोग हैं शरपसंद वो मंदिरों में मस्जिदों में आतंक न फैलाएं न लोगों को बरगलाएं और हर मस्जिद मंदिर में दरगाहों में इबादतगाहों में अल्पसंख्यकों के मंदिर न ढूंढें। ये निवेदन है आपसे। जो विष्णु दत्त ने केस फाइल किया उसी के संबंध में हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि दरबार में कोई भी गलत बात करे और वो जो है वहाँ तक परेशानियाँ हों। हम भाईचारे मोहब्बत का पैगाम देते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। हर जगह से हमारे यहाँ लोग आते हैं, आस्था को ठेस पहुँचाने का ये जो काम करना है इसको नहीं करना चाहिए। कौन कौन लोग आए? और हमारी कमेटी के प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, हम खजांची साहब पार्टी लीडर और हमारे भाई अलाउद्दीन साहब और हसीबुर रहमान साहब सभी लोग मौजूद हैं और भी हैं लोग। आपका नाम और पद बताइए। हाजी शेखजादा फहीम अहमद चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन यादगार। मैं हाजी अमजद हुसैन चिश्ती, केशर अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगंज का। आज हम कलेक्टर साहब के पास और एसपी साहब के पास हिंदू परिषद के जो विष्णु गुप्ता हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए, और जिस तरह से ये लोग हिंदुस्तान का, अजमेर का, हर जगह दरगाह मस्जिद गुरुद्वारों का माहौल ख़राब कर रहे हैं, आज से पहले कभी हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ, तो वो देने के लिए हम हाजिर हुए। तो हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से यही आग्रह किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि देश का, अजमेर का, ख्वाजा साहब की नगरी एक पवित्र नगरी है, यहाँ से जो है मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, सब लोग यहाँ पे हाजिर होते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ आते हैं, दरगाह में जो भी मन्नत मुराद होती है पूरी कर जाता है, ऐसे मोहब्बत का खुलूस का पैगाम लेके आते हैं। इस तरह से 800 साल में कभी नहीं हुआ जिस तरह से ये लोग आज हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ की दरगाह को बदनाम कर रहे हैं, और यहाँ जगह मुसलमानों की है कि जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर इस तरह से बोलना है कि यहाँ पर ये अवशेष है मंदिर के, ये हैं वो, कुछ नहीं है। 800 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, अब कैसा हो रहा है? ये देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैंने यही बोला है, अपनी ख़राब राजनीति के चक्कर में ये लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं आम लोगों को। हम यही चाहते हैं बस ऐसी संगठन और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने और कार्रवाई होवे इनके खिलाफ, और हमारा संविधान हमारे को, भारतीय संविधान हमारे को हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो हम वो करेंगे, उस पर कौन मना कर सकता है? बाबा साहब ने जो हमारा कानून बनाया हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो उसके खिलाफ कुछ थोड़ी नहीं बोला। जिस तरह से ये लोग बोल सकते हैं इस तरह से हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचानी है, हमें हद में रह के काम करना है और सबको साथ लेके चलना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। बस मेरा यही संदेश है कि अजमेर क्या पूरे हिंदुस्तान का माहौल बना के रखें, और किसी तरह से भी सब लोग हिंदुस्तान की तमाम लोग अपना माहौल मोहब्बत खुलूस बना के रखें, एक ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आए। ये लोग अपने वोट बैंक के चक्कर में अपना नाम करने के लिए ऐसे काम करते हैं। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम अमजद हुसैन चिश्ती, केशर अंजुमन यादगार चिश्तिया शहजादगंज। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर के हमने हमारा रोष, हमारा विरोध दर्ज कराया है, और विष्णु गुप्ता जैसे हिंदुस्तान में जितने भी शरपसंद लोग हैं, अशांति फैलाने वाले लोग हैं, सद्भावना को कुचलने वाले लोग हैं, हम ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं और भारत सरकार को कि ऐसे लोगों को चुन चुन करके भारत की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको जेलों में डालना चाहिए, जो बेकसूर लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ में, और ये इंसानियत के दुश्मन है। हमारा देश सद्भावना का पैगाम देता है, और ख्वाजा साहब का दरबार खसूसी तौर पर 850 बरस से जो है सद्भावना का प्रतीक रहा है। यहाँ पे सद्भावना की एक मिसाल ऐसी है कि यहाँ पे आस्था का ख्याल रखते हुए ख्वाजा साहब के दरबार में भंडारा भी जो है जो दरगाह शरीफ के अंदर बनाया जाता है, बड़ी देख और छोटी देख में, और रोज़ाना सुबह शाम जो जो का दरिया बनता है उसमें मीट मांस वगैरह नहीं डाला जाता, ताकि हर जाति धर्म का आदमी खा लें। हम ख्वाजा साहब के दरबार से यही संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसे लोगों को चुनकर चिन्हित करके इनको इनके ठिकाने पहुँचाए और इस देश के अंदर अमन अमान कायम रखे, और इस एवज हम जो है कलेक्टर साहब के माध्यम से भारत सरकार को जो है हमारी जो है गरीब नवाज के आस्था जो है उसके प्रति हम जो है सद्भावना पेश करते हैं, और भारतवासियों को संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। और यहाँ अदर कास्ट 70% आते हैं, मुस्लिमों से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोगों की आस्था है गरीब नवाज में। आपने यहाँ आकर के इंसानियत का, भाईचारे का पैगाम दिया, इंसानियत को जिंदा किया है, यही कहना चाहते हैं। नाम मेरा नाम शहजादा हसीबुर रहमान चिश्ती,
कार्यकारिणी सदस्य अंजुमन यादगार चिश्ती।